जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। मुख्यमंत्री ने अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लाभार्थियों को इंदिरा देवी और पूजा रानी, जितेंद्र कुमार सीमा और मुस्कान को ऋण स्वीकृत पत्र दिए, जिससे वे खुद का व्यवसाय शुरू करेंगे। इस योजना के तहत 1 लाख से कम वार्षिक वालों को 2,49,000 परिवार की पहचान की गई है। इन परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 2 चरणों में 556 स्थानों पर 570 का मेला आयोजन भी किया गया है। वहीं आपको बता दिया जाए कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को जजपा नेता एवं पूर्व चेयरमैन छिन्नू देवी के घर जलपान के लिए पहुँचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया है कि बुढ़ापा पेंशन की उम्र घटाकर 60 साल से 55 वर्ष करने में अभी कुछ समय लगेगा। इस बारे में दोनों पार्टी आपस में बैठकर निर्णय लेंगे। वहीं नरनौर बाईपास के निर्माण के लिए लगभग सारी बाधाएं पूरी हो चुकी हैं और झांसी जिंद वाया नरनौर रेलवे लाइन की IDR जो लगभग 1 वर्ष से पूरी हुई है, उसे सरकार द्वारा जल्द ही परमिशन दे दी जाएगी। इन दोनों का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, जुड़े रहें आप सभी लोग ATNews से। ATNews को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आप सभी तक हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।